మీ అందరికీ నమస్కారం వేదిక మీద ఉన్న సభాధిక్యం శ్యామ్ సుందర్ గౌడ్ గారు ఎమ్మెల్యే రవిరావు పటేల్ గారు స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ కసమ్ వెంకట వైశ్య గారు ఎక్స్ మినిస్టర్ కృష్ణ యాదవ్ గారు ఎక్స్ ఎంపీ చెడా సువేష్ రెడ్డి గారు పార్లమెంటరీ ప్రెసిడెంట్ గొలి మధుసూదన్ గారు పార్లమెంటరీ కన్వీనర్ ఆర్కే శ్రీనివాస్ గారు వేదిక మీద ఉన్న అన్ని ప్రముఖులకి నా నమస్కారం ఇప్పుడు నేను తెలుగులో మాట్లాడాలా హిందీలో మాట్లాడాలా లేదంటే తమిళలో పేస్తుమా తమిళా ఉంగల్ అనేవర్కు మీనోడే కాలై వణకం కలసి మాట్లాడతాం తెలుగు తమిళ హిందీ బెటర్ గా ఉంటుంది మీ అందరికీ అర్థం అవుతుంది కదా ఎందుకంటే తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను కానీ తెలుగులో ఒక స్పీచ్ ఇవ్వాలంటే కొద్దిగా ఒక బ్రేక్ స్టాప్ బ్రేకర్స్ మధ్యలో వస్తుంది తమిళ అంటే ఫ్లూయెంట్ గా ఉంటుంది హిందీ అంటే ఫ్లూయెంట్ గా ఉంటుంది సో హిందీ హిందీలో మాట్లాడితే పర్లేదు కదా అందరికీ అర్థం అవుతుంది కదా రైట్ బహుత్ హీ ఖుషీ మహసూస్ హోతీ హై కి ఆజ్ ఆప్ సబ్ కే బీచ్ మే ఇత్ని దూర్ సే ఆయీ హూ యే జో మాహోల్ హమారే బీచ్ హై ये जो लोग यहां दिख रहे हैं यहां से जो एक मैसेज हम बाहर ले जाएंगे हमारे एरिया में इस कंटेनमेंट एरिया में जो लोग हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, उस समस्याओं को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हमारे भारत देश के लिए एक मिनट भी आराम ना लेते हुए जो पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और बार बार हमारे भारत देश के वासी उन्हें हर वक्त जिता के इस बार भी तीसरी बार उन्हें जिताकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं उससे हमें ये बिल्कुल सही मालूम पड़ता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं आज हमारे देश में जिस तरह की तरक्की हम देखते हैं इससे पहले हमारे देश को आजादी मिलकर 75 साल हो चुके हैं लेकिन 10 साल से पहले 65 सालों में जब हम देखते हैं कि जिस तरह से हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया गया एक ही पढ़ाव चढ़ा पढ़ाया गया एक ही दिशा में देखने के लिए गया सिखाया गया उन सबको बदल के अब हम दुनिया देख रहे हैं लेकिन आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है और कह रही है कि अगर दुनिया में कोई बहुत ही मजबूत और सेल्फ सफिशिएंट जो हमारे प्रधानमंत्री का जो एक सपना है विकसित भारत का सपना अगर वो विकसित भारत और एक विकसित देश कोई आज पूरी दुनिया में है तो वो भारत देश है और उसकी वजह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सोचिए एक वक्त था 10 साल से पहले जब हम बिल्कुल नीचे थे रॉक बॉटम 5 जगहों पे हमें माना जाता था कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं कर सकता आगे बढ़ोतरी भारत की तो कभी हो ही नहीं सकती गरीबी भारत से तो जा ही नहीं सकती हमारे जो युवक युवकाएं हैं उनके लिए कामकाज एम्प्लॉयमेंट वो तो सवाल ही नहीं उठता हमारे देश के वासी जो आज यूपीआई के तहत चाहे वो रास्ते में मैं यहां हूं आप वहां हो वो ही नहीं बल्कि सड़क पे जो एक महिला जो एक बैठ के जो मां बैठ के इडली बेचती है या फल फूल बेचती है वो भी आज आप सिर्फ स्कैन करके उसके मोबाइल पे आप पैसे भेज सकते हैं जो डिजिटली हम इतने एम्पावर्ड हुए हैं उसकी वजह है हमारे प्रधानमंत्री तो जो एक वीकेस्ट पॉइंट माना जाता था आज टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में हम माने जाते हैं जहां पर हमारा जीडीपी ग्रोथ कहते थे कि बहुत कम है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं आज हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है यूके को भी पीछे छोड़ दिया है और पांचवी जगह से चौथी जगह पर हम जीडीपी ग्रोथ में दुनिया भर में हम आगे हैं हमारा जब हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था
विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लड़ते थे, आज विमेन लेड एम्पावरमेंट है। आपने देखा होगा हाल ही में जब 26 जनवरी को दिल्ली में हमने सब देखा कि जब वो इतना बड़ा प्रशासन हुआ था, उस वक्त तक हमने सिर्फ मर्दों को देखा है कि वो जिस तरह से एक्रोबेट्स करते हैं मोटरसाइकिल पे, जो हमारी आर्मी में, आप सब कैंटनमेंट एरिया में हैं, मिलिट्री और आर्मी सब यहां पर है, तो आप जानते हैं कि जिस तरह से महिलाओं ने एक प्रदर्शन किया था वहां पर, मतलब पूरी दुनिया देख के उसको चौंक गई थी कि हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देखी गई हैं। जहां पर हमारी महिलाएं गांव में अंदर रोज किसी जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके उनको जला के अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को बुरा करके, फूंक फूंक के जो वो अपना चूल्हा जलाती थी, खांसती रहती थी, लेकिन उसका चूल्हा जलना चाहिए था, वो सब हटा के आज हमारे देश में प्रधानमंत्री ने गैस सब्सिडी लाकर कितनी औरतों के घर में उनको एक, क्या कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ऊर्जा दिया है, कहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपके गैस है। और आज हमारी कितनी महिलाओं को जो फेफड़ों की बीमारी है उससे बचाया गया है। जहां पर हमारी महिलाएं आगे बढ़ने से घबराती थी, डरती थी, उसको ये नहीं लगता था कि मेरा भविष्य क्या होगा, आज वो महिलाएं आप देखते हैं कि उनके लिए जिस तरह से महिलाओं के लिए आवास योजना ही नहीं बल्कि उनके लिए जो मुद्रा लोन हमारे प्रधानमंत्री लाए हैं, 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को हमने लोन देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया है। हमारे देश में हमारे बच्चे जब आगे बढ़ने के लिए सोचते थे, घबराते थे, आज उनको भारत में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज हमने कोविड के बाद 11 यूनिकॉर्न्स हमने किए हैं, जिसमें मैक्सिमम हमारे भारत के युवक युविकाएं हैं। कितने सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के बिजनेस शुरू किए हैं, अपने खुद की कंपनियां शुरू की हैं, अपने खुद के पैरों पे खड़े, ना ही कि किसी के नीचे काम करते हैं, बल्कि खुद अपने जगह पर एक बॉस हैं, अपने अपनी जगह पर अपने खुद के मालिक हैं और उनकी कंपनियां लाखों करोड़ों में चल रही है। जहां पर हमारी मुस्लिम महिलाएं जब तलाक के नाम से घबराती थी, जहां पर इससे पहले की सरकार जब उनको मौका मिला था कि उन्हें, मुस्लिम महिलाओं को, हमारी बहनों को एक आगे बढ़ने का मौका दे, अपने डर की वजह से उन्हें तलाक से छुटकारा नहीं दिलाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री आने के बाद ट्रिपल तलाक का खतनामा हुआ। ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद जिस तरह से आप देखते हैं आज हमारी महिलाएं वापस जो हिम्मत जुटा के आगे बढ़ रही हैं, वो तो हम सब देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं महिलाएं देखती हूं तो बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, मैं देश भर में घूमती रहती हूं और देश भर में जहां भी जाओ सबसे आगे महिलाएं होती हैं। और ये हमारे देश की, जब तक हम हमारी माओं को, हमारी बहनों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, एक देश नहीं बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। बेटी का बढ़ना बहुत जरूरी है, महिला का बढ़ना जरूरी है। और हम सबका मानना यह है, भाजपा में हमारा मानना यह है कि अगर एक महिला अपना घर चला सकती है तो एक महिला इस देश को भी चला सकती है। आज हम देखते हैं भाजपा में, चाहे वो निर्मला सीतारामन जी हो या वो स्मृति ईरानी जी हो या हमारे देश की जो सबसे महान पोजीशन मानी जाती है प्रेसिडेंट की, वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी को जो देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री हर महिला को उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं, वहां उस मकाम पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर वो अपने आप को देखकर बहुत ही गर्व महसूस करे। बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए कि महिलाएं आज छोटे छोटे लोन लेके अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है,
उन्हें यह हिम्मत दिलाई जा रही है कि तुम आगे बढ़ो और तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। आप देखिए ना, हर जगह जब कांग्रेस सरकार में थी, हर योजना का नाम, हर जगह का नाम, आप देखिए ना, सिर्फ एक फैमिली पॉलिटिक्स थी। हर योजना इंदिरा गांधी के नाम से शुरू होती थी, जवाहरलाल नेहरू के नाम से शुरू होती थी और राजीव गांधी के नाम से खत्म होती थी। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी हर एक योजना आप देख लें, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री के नाम से ही सारी योजना है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे लेकिन हमारी जो योजनाएं हैं वो लोग तक पहुंचनी चाहिए। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नाम से, क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ एक फैमिली रूल होना चाहिए, जो फैमिली डायनेस्ट हम कहते हैं, जो कहते हैं कि हर जगह सिर्फ एक नाम होना चाहिए। हम कहते हैं कि ये देश को आगे बढ़ना चाहिए, देशवासियों को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक खानदान को आगे बढ़ना चाहिए। खानदान से भी आगे कोई चीज होती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से केरला, तमिलनाडु, यहां वहां, दिल्ली, यहां पर कहां जा रहे हैं। और उसी तरह से हमारे जो जितने भी लोग भाजपा में हैं, उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। भाजपा में हमें सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, आपकी अपनी सोच पीछे, आपके अपने सुख दुख पीछे, आप अपनी सेहत पीछे, आप अपने बारे में बाद में सोचें, लेकिन देश के बारे में सोचें। देश का नेत्र होना चाहिए, देश की तरफ होना चाहिए, देश की तरफ, हमारे भारत की तरफ हमारा नेतृत्व जो है वो आगे बढ़ाने का होना चाहिए, ना ही अपने आप को आगे बढ़ाने का। आज भाजपा से हम सब यहां पे जितने लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े। हम ये कोई नहीं चाहता कि हम एक कोई आगे बढ़े, हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अगर देश आगे बढ़ेगा तो हमारी की जो कल की पीढ़ी है, जो कल हमारे युवक हैं, वो आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की सोच है कि 2044 तब तक ये देश कितना आगे बढ़ेगा। आज जो हम देखते हैं वो विकसित भारत, जो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, जो विकसित भारत का सपना है, वो कैसे पूरा करें। हर एक जो योजनाएं आती हैं, हर एक जो पॉलिसी लाई जाती है, हर एक बार जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, सोच समझ के जो फ्यूचर थिंकिंग है, आगे की सोच है, ना कि आज ठीक हो जाए कल का कल देखा जाएगा, वो नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज की सोच जो है, आज जो बीज हम बोएंगे वो कल को पेड़ बनके, एक बहुत बड़ा वृक्ष बनके हमारे देशवासियों को कैसे छाव देगा। वो छाव देने के लिए उसकी बीज आज बो रहे हैं, क्योंकि बहुत हो चुका हमने, हम देख चुके हैं देश में किस तरह से सिर्फ अपने आप की बढ़ोतरी, एक फैमिली की बढ़ोतरी, एक खानदान की बढ़ोतरी और सिर्फ एक पार्टी के जो लोग हैं उनकी बढ़ोतरी हमने देखी है। गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक हम तकलीफें उठा रहे थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी है आप देखते हैं कश्मीर जन्नत मजाद होगा।